वेलकम माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स ऑन दिस चैनल, दिस इज नर्वो वॉइस। हम पैटर्न कंप्लीशन ये चैप्टर देख रहे थे, चैप्टर 3 जो कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट का चैप्टर है, पार्ट 1 में, जो कि एंट्रेंस एग्जाम 6 स्टैंडर्ड में नवोदय विद्यालय में के लिए जो होते हैं एग्जाम उसका है। तो देखिए, हम अब पैटर्न कंप्लीशन के एग्जाम्पल्स देखते हैं, उसके प्रॉब्लम्स देखते हैं। कल उसके इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि ये प्रॉब्लम्स पैटर्न कंप्लीशन के कैसे छुड़ाना है और किस पद्धति से इसको टैकल करना है। राइट नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी मेनी प्रॉब्लम्स, वेरियस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स ऑन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन ऑन दिस काइंड ऑफ चैप्टर एंड इट्स सोल्यूशन। सो क्वेश्चन ऐसा रहता है कि देयर इज अ क्वेश्चन फिगर एंड देयर आर सम आंसर फिगर, एबीसीडी गिवन ऑन द राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्वेश्चन फिगर रहता है। सो यू हैव टू फाइंड आउट करेक्ट आंसर फिगर फ्रॉम और अमॉन्ग आंसर फिगर गिवन यू ऑन द राइट हैंड साइड। सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए, यहाँ पे क्रॉस का साइन है हर एक बॉक्स में, हर एक मतलब एक स्क्वेयर के 4 पार्ट के है, तो हर एक पार्ट में दो क्या दिए है, क्रॉस दिए, तो दो क्रॉस वाले। देखिए, ये आउट हो जाएगा, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे क्रॉस नहीं है, इसका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन 2, यहाँ पे देखिए, ये जो है यहाँ पे एक दो लाइनें थोड़ा सा ट्रायंगल के जैसा है, और ये इसके उल्टी है, तो यहाँ पे इसकी उल्टी वाली फिगर लगेगी, है ना। तो इसके अंदर के लाइन भी देख लेते हैं। अगर ये लाइन इस तरीके से है तो इधर के लाइन इस तरीके से आएगी, तो उल्टी फिगर में अगर ये लाइन इस तरीके से जा रही है यहाँ पे, तो ये लाइन इधर से जाएंगे ऐसे, तो आपको देखना है उल्टी वाली फिगर में, ठीक है। ये वाला सीधा ये तो नहीं आएगा, 1, 2, 3 उल्टी है, तो देखते हैं ये यहाँ पे लाइनें सीधी जा रही है, और अब देखते हैं कि यहाँ पे लाइनें इस तरीके से जा रही है, इसलिए ये इसको मैच होती है, ये नहीं, इसका आंसर डी। क्वेश्चन थ्री में देखिए, यहाँ पे कौन सी आंसर फिगर हमारा पैटर्न कंप्लीट हो सकता है आंसर फिगर को चुनने से, फिट करने से। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो ये दो जो इसके अपोजिट वाले हैं, ये एक दूसरे के बिल्कुल मतलब क्या दिखाते हैं, अपोजिट फिगर दिखाते हैं, मतलब मिरर इमेज समझ लीजिए, ठीक है। तो इसका हमें अपोजिट फिगर देखना है, तो ये वाले पार्ट में ये है इसका अपोजिट फिगर, इसका अपोजिट फिगर कौन सा है, बी वाला, तो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 4, अब देखिए, यहाँ पे एक स्क्वायर के 4 पार्ट दिए हैं, 4 पार्ट में हर एक पार्ट में क्या दिया है, मतलब एक छोटा सा स्क्वायर 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, एक इसका एक कंप्लीट फिगर, एक ही फिगर बनेगा, मतलब बीच में एक स्क्वायर बनेगा टोटल, ठीक है, बीच में एक स्क्वायर बनेगा और हर एक साइड में ऐसे ये बनेगा, तो बीच में स्क्वायर आने के लिए आपको ये लाइन यहाँ पे आनी चाहिए, यहाँ पे ऐसी है इसलिए ये आउट, ठीक है, यहाँ पे जगह पे है, और अब ये यहाँ पे देखते हैं ये जो है ये इस प्रकार से आएगी, ठीक है, तो इस प्रकार से आएगी, तो यहाँ पे इस प्रकार इधर वाली जो लाइन है वो इस प्रकार आनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पे ऐसी जाती है इसलिए डी आउट, ठीक है। अब बची बी और सी में भी देख लेते कैसा, तो यहाँ पे अगर ऐसे आती है तो इस साइड में ये ऐसी आनी चाहिए, तो बी और सी में देख लेते, बी और सी में ठीक ठाक है, सी में देख लेते, ये वाली जो अगर फिगर ऐसी है तो यहाँ पे भी ऐसी लाइन वाली फिगर चाहिए, सी में ऐसी जा रही है इसलिए सी आउट, और बी आपका आंसर जो यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठता है। क्वेश्चन 5, यहाँ पे देख लेते क्वेश्चन 5 जो 2020 में आया था एंट्रेंस एग्जाम में, तो यहाँ पे ये पूरी एक फिगर है, स्क्वायर है, लेकिन इसके 4 पार्ट किए हैं, यहाँ पे एक पार्ट एम्प्टी है, जिसको यहाँ पे आंसर में से फिगर में से रखने के बाद ये फिगर कंप्लीट हो जाएगी, तो ऐसी कौन सी फिगर है। तो देखिए, यहाँ पे पूरी फिगर में हर कॉर्नर में एक एक स्क्वायर दिया है, तो यहाँ पे हमें स्क्वायर वाला ढूंढना है, बी और सी में नहीं है, बी ए और डी में देखिए, तो बी और सी वैसे ही क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी, और डी बचा है, ए और डी में थोड़ा सा आप कंपैरिजन करेंगे तो हर एक जगह जो जहाँ पे है ये हाफ सर्कल है, हाफ सर्कल के बाद एक लाइन है, लाइन के बाद डॉट है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो ऐसी आकृति आपको चुनना है, तो यहाँ पे ए में वैसा नहीं है, हाफ सर्कल पहले अंदर हाफ सर्कल है, ठीक है, लाइन के अंदर, तो हमें लाइन के बाहर चाहिए हाफ सर्कल, मतलब ये जो है इसके इसलिए ये नहीं आएगा, तो आपका आंसर आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, यहाँ पे एक जो है ये पूरा एक स्क्वायर है, और यहाँ पे स्क्वायर के पार्ट दिखाए नहीं है, सिर्फ एक मतलब
बाकी के पार्ट दिखाए नहीं है, एक छोटा सा पार्ट है, मतलब एक पार्ट है उसका, ये वन फोर्थ पार्ट है जो खाली है। तो आपको कौन सा पार्ट यहाँ पे लगना पड़ेगा, तो ये अंदर है, ये मतलब कॉर्नर में दिख रही है, इसलिए ये आओ, ये इस कॉर्नर में दिख रही है, ये भी आओ। अब बचा ये, तो ये बी जो है इस साइड में दिखा रहा है, तो ये आउट, और आपका आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद सी, सी देख लेते हैं, एक ही पूरी क्या है, एक एक वन ही एक पूरी कंप्लीट फिगर है ये, अगर पूरे स्क्वायर की जो डिजाइन है उसको समझे तो। लेकिन ये वाला यहाँ पे एम्प्टी है, यहाँ पे आपको चूज करना है। तो क्या आएगा यहाँ पे, देखिए ये इस तरीके से दिखा है इसलिए ये एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ पे तो अलग तरीके से दिखा है इसलिए ये एलिमिनेट हो जाएगा। सी बची बी और डी, इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड का भी हम यूज कर सकते हैं। तो डी और बी में भी देखना है कि ये जो बीच वाला जो सर्कल है, बीच में जो सर्कल आता है, वो सर्कल के ऊपर ये छोटी 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 लाइंस दिए गए हैं। अब बी और डी में कंपैरिजन करके देखते हैं, डी में जो है इस अंदर वाले इसमें ना होके ये छोटी लाइन बी उसके बाहर वाले इसमें, इसलिए डी आउट और बी आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर एट यहाँ पे देख लेते हैं, ये देखिए यहाँ की यहाँ पे इसकी क्या दिखाई है, यहाँ पे इसकी बिल्कुल जो है इसकी वाटर इमेज समझ लो या मिरर इमेज दिखाई गई है, ठीक है। ये वाला साइड इधर आया और ये इधर का साइड उसके नीचे गया है, ठीक है। इसलिए ये जो दो कॉर्नर में है इनके दोनों के अपोजिट है, तो यहाँ पे भी सेम होगा। तो अगर ये इधर से है तो ये इधर आ जाएगा ये वाला साइड, तो कौन सा इसमें से, ये आपका करेक्ट ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ठीक है। क्वेश्चन नाइन देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे एक कंप्लीट फिगर है, कंप्लीट फिगर ये तो नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी, ये वाला फिगर ऐसा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, ये जो है ये पंखुड़िया ऐसे ऐसे रोटेट हो रही है, देखिए यहाँ पे अगर इस पार्ट में, स्क्वायर के इस पार्ट में अगर देखेंगे हम, ये जो मतलब ये पंखुड़ी समझ लो किसी फूल की, ये पंखुड़ी 90 डिग्री रोटेट हुई है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे भी ये जो साइड है वो 90 डिग्री रोटेट होके, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन क्वेश्चन नंबर टेन में देखिए, अगर पूरा फिगर देखेंगे, यहाँ पे डिजाइन देखेंगे, तो यहाँ पे फिट बैठने वाला स्क्वायर ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, यहाँ पे ट्राइंगल जो है इस बाजू में ऐसे ट्रायंगल निकालने से, ठीक है, ऐसे ट्रायंगल निकालने से ये कंप्लीट फिगर बन जाए, बन सकता है। तो ऐसी कौन सी फिगर है, यहाँ पे एक ऐसा स्क्वायर, तो ऐसी कौन सी फिगर है, यहाँ पे सी नहीं बी, ठीक। यहाँ पे आप स्क्वायर मतलब यहाँ पे ड्राइंग करके भी निकाल सकते हैं इस प्रकार से आंसर। क्वेश्चन इलेवन में देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे देखिए ये जो है इसके ये वाले कॉर्नर और ये वाले कॉर्नर दोनों एक दूसरे से अपोजिट दिखा रहे हैं, ठीक है। मतलब ये वाली जो इस वाले पार्ट में जो डिजाइन है वो रोटेट करके उसको इस तरीके से दिखाई गई, तो इसके लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरीके से ये रोटेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन ट्वेल्व यहाँ पे देखिए, पहले डार्क है और बाद में एक छोटा सा मतलब वन फोर्थ जो है सर्कल है, तो डार्क वन फोर्थ सर्कल, और यहाँ पे इसके पास में कोई एरो नहीं है, सी ओ डी तो वैसे ही गया, ठीक है, सी ओ डी वैसे ही गया। बच्चा ए और बी में देखना है क्या संबंध है, इस एरो में देखते हैं, एरो इसके पास है, एरो इस सर्कल के पास है, अंदर के सर्कल के पास, तो इसलिए ये वाली जो है ए वाली और बी वाली, इसमें भी एरो अंदर के सर्कल के पास है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं एरो की डायरेक्शन क्या है, एरो की डायरेक्शन देखिए, ये डायरेक्शन इस तरीके से पहले ये, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो डायरेक्शन है एक दूसरे के विरुद्ध, और यहाँ पे एक दूसरे के, मतलब ये जो बाजू है यहाँ पे कॉर्नर में, मतलब जो बाजू है एक दूसरे के विरुद्ध, तो इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। देखिए इस पार्ट में जो एरो दिखाया है, तो ये एरो इस पार्ट में ऐसे कौन से डिग्री में घुमा है, कौन से एंगल में घुमा है, ये इस पार्ट में है तो ये 90 डिग्री में घुमा है, तो इसी तरीके से अगर ये इस डायरेक्शन में है तो ये 90 डिग्री घूमना चाहिए, ठीक है, ये 90 डिग्री घूमना चाहिए, तो इसलिए इसका आंसर ये वाला होगा, आंसर